Hey guys, welcome to Rabia Skincare. मैं हूँ राबिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ के बारे में। हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का पतला होना या फिर बालों का घना नहीं होना, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर टॉनिक्स जो आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जिससे आपकी हेयर फॉल कंट्रोल होती है। लेकिन इतना ही नहीं, ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, बूस्ट करता है, जिससे आपके बाल पहले से भी ज़्यादा लंबे, मोटे और घने होते हैं। बालों को बढ़ाने के लिए आपको हेयर ग्रोथ बूस्टिंग मास्क वगैरह यूज़ करते रहना चाहिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे अगले वीडियो में। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे मेरे वीडियोज़ मिस ना हो। फिलहाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर टॉनिक्स, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम बना रहे हैं आयुर्वेदिक हेयर टॉनिक। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यही सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीदने जाओगे या उनको बनाने को बोलोगे तो ये आपको बहुत महंगे में पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत असरदार होता है। ये आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, प्लस आपकी हेयर ग्रोथ को दुगना करता है। लेकिन यही सेम चीज़ आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, सिवाय कुछ के जो मैं आपको बताऊँगी आगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमको चाहिए दो तरह के ऑयल, पहला है कोकोनट ऑयल और दूसरा है कैस्टर ऑयल। फिर चाहिए हमको तीन तरह के सीड्स, पहला है तिल यानी कि सेसमे सीड्स, दूसरा है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, और तीसरा है कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स। और फिर चाहिए दो चीज़ें जो हमारे खाने में डलती है, जिसमें से पहला है कांदा यानी कि अनियन और दूसरा है कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स। फिर हमको चाहिए दो तरह के पाउडर, ये पाउडर आपको घर पर नहीं मिलेंगे, आपको किसी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीदना होगा, लेकिन ये आपको बहुत ही आसानी से मिल भी जाएंगे। पहला है आंवला पाउडर और दूसरा है भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर को प्लीज़ आप स्किप नहीं करना, बहुत ही एसेंशियल है यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी हेयर फॉल को कुछ ही यूजेस में कम कर देता है और आपकी हेयर ग्रोथ को सीधा डबल कर देता है। इसलिए इसको प्लीज़ स्किप नहीं करना, 30-40 ग्राम जितना लगेगा, जो आपको 20-22 रुपये में मिल जाता है। फिर फाइनली हमको चाहिए कपूर यानी कि कैम्फर और चाहिए विटामिन ई की कैप्सूल्स। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए तकरीबन 200 ml कोकोनट ऑयल को पहले किसी पैन में गर्म कर लीजिए मीडियम हीट पे। एक बार ये गर्म हो जाए तो आंच को धीमी कर लीजिए। अब आगे के सारे प्रोसीजर हम लो हीट पे ही करेंगे। पहले हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स, फिर ऐड करेंगे अनियन यानी कि कांदा। 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो भी हमारी सीड्स थी, वो तिल, मेथी दाना और कलौंजी। अब 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएं, बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए। 10 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे आंवला और भृंगराज का पाउडर। पाउडर ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट तक फिर से इसको पकाएं, बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए। 15 मिनट के बाद में गैस को बंद कर दीजिए और इसको हीट से निकाल दीजिए। हीट से निकालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कपूर यानी कि कैम्फर। सारी क्वांटिटीज़ मैंने वहाँ पर लिख के आपको बता दी है, आप प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिए किसी कंटेनर में, जिसमें आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं। फिर फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल। ये दोनों ऐड करके इसको अच्छे से शेक कर लीजिए और ये हो गया आपका आयुर्वेदिक हेयर टॉनिक रेडी। इसको आपको वीक में कम से कम 2-3 टाइम्स यूज करना है। रात में इसको आप अपने सर पे मसाज करेंगे और दूसरे दिन मॉर्निंग में अपने हेयर को वॉश कर लेंगे। ओवरनाइट रखना अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए इसको अपने सर पे जरूर रखिए और उसके बाद में उसको वॉश कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, मसाज करते वक्त और अपने बालों को वॉश करते वक्त सिर्फ हल्के हाथों का यूज करें, क्योंकि ज्यादा जोर से करने से इससे आपके बाल टूटते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल और भी ज्यादा हो रहे हैं। ये हेयर टॉनिक एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है फैटी एसिड्स, लॉरिक एसिड्स, निकोटिनिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड का। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी, विटामिन ई, इसमें विटामिन के है, आयरन है, पोटेशियम है, प्लस इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज है। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि ये जो टॉनिक है, ये सबसे पहले आपकी जो बालों की जड़ होती है, हेयर रूट्स को मजबूत करता है, जिससे आपकी हेयर फॉल रुक जाती है। दूसरा, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को रीबिल्ड करता है, जिससे जो आपके बाल है वो फिर से बढ़ना शुरू होते हैं। प्लस इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स और भी ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं और आपके बाल जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बालों में जो केराटीन होता है उसको सपोर्ट करता है, जिससे हमारे बाल और भी ज़्यादा स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और लेस फ्रिजी होते हैं।
सिर्फ हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए ही नहीं, ये हमारे बालों को कंडीशन भी करता है, हमारे बालों में शाइन ऐड करता है, आपके बालों को वॉल्यूम देता है, प्लस आपके बालों में बाउंस भी देता है। इतने सारे बेनिफिट्स के बाद आपको नहीं लगता कि इसको एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप इसको एक बार करोगे तो इसको आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जरूर करोगे, क्योंकि ये है ही इतना इफेक्टिव। हेयर फॉल को रोकना एक अलग चीज होती है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाना दूसरी चीज होती है, और ये टॉनिक दोनों के लिए ही सबसे बेस्ट 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 है। इसको जरूर ट्राई करना और इसका रिजल्ट मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहां चाहिए वहां पे, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम सभी को होती है। मैं आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।